warmly welcome to my channel Nazra Muslima. How are you my YouTube family? I hope you all are fit and fine. So आज मैं बना रही हूँ दाल के बड़े. दाल को रात को मैंने भिगो दिया था, फिर उसको ग्राइंडर के अंदर नमक और मिर्च डालकर ग्राइंडर कर लिया था. और इसको मैं फ्राई कर रही हूँ ऑयल के अंदर. सरसों का जो तेल होता है उसमें फ्राई कर रही हूँ, और ये माशाल्लाह फ्राई हो चुके हैं. तो साथ में मैं बनाने जा रही हूँ कोफ्ता बिरयानी. तो ये है जी मेरा चॉपर, जो कि मैंने नून ऐप से परचेज़ किया था, हस्बैंड लेकर आए थे. तो ये वैसे इसने बहुत अच्छा काम किया माशाल्लाह. तो ये हमारे कोफ्ता बनाने का सामान है. आप देख सकते हैं लहसुन, अदरक, खड़ी मिर्च, प्याज, चिकन एंड हस्बे जायक का जो मसाले होते हैं वो सारे एज़ यूजल. कोई वैसे और अलग तो मसाले यूज़ होते ही नहीं है. सो ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे, चिकन भी डाल देंगे, और ये हो रहा है चॉप. माशाल्लाह बहुत अच्छी मशीन है. अगर आप लोगों ने परचेज़ करनी है तो आप लोग भी नून ऐप से परचेज़ कर सकते हैं. मैं आपको रेकमेंड करती हूँ, बहुत अच्छा काम करती है. ऐसे इसके साथ जूसर भी है, तो जूसर भी बहुत अच्छा काम करती है माशाल्लाह. सो ये देख लें, टू पर जो है ये बहुत ज़्यादा बारीक कर देती है, वन पे जो है वो कम बारीक करती है, और ज़ीरो पर तो वैसे ही चलती नहीं है, वहाँ से तो स्टार्ट होता है. सो जी उसके बाद मैंने थोड़ा सा बेसन फ्राई किया था, और बेसन फ्राई करने के बाद भून लिया था, तो वो कच्चा पक्का जैसे करते हैं ऐसे कर लिया था, और उसको भी इसके अंदर ऐड कर दिया है. और साथ में मैं बनाने जा रही हूँ खीर. और ये दूध को मैंने बॉयल किया, और इसके अंदर मैंने चावलों को बॉयल करके डाल दिया, और ये माशाल्लाह पक रही है अब. सो जी कोफ्ते बनाकर मैंने एक साइड पर रख लिए थे, और अब हम इनको करेंगे सरसों के तेल में फ्राई. तो ये देखें माशाल्लाह मैं इनको इसके अंदर डाल रही हूँ, और ये फ्राई भी होना स्टार्ट हो गए हैं. तो आपकी मर्ज़ी, आप इसे ज़्यादा डीप ब्राउन करना चाहें तो एज़ यू विश, अगर लाइट ब्राउन करना चाहते हैं तो एज़ यू विश. सो हमने बस ये है कि ये पक जाएँ, कच्चे ना रहें, क्योंकि हमने जब वो राइस बनाने होंगे कोफ्ता बिरयानी, तो जस्ट हमने इसको दम पर ही रखना है, ज़्यादा इसमें पानी शानी नहीं ऐड करना. तो ये देखें माशाल्लाह पक रहे हैं ये, और ये बहुत मज़े के कोफ्ता मतलब बिरयानी बहुत मज़े की बनती है. कोफ्ते भी बहुत मज़े के थे, बच्चों ने वैसे ही बहुत ज़्यादा शौक से खाए थे. सो ये देखें ये इसका फाइनल लुक है माशाल्लाह. कोफ्ते बनकर रेडी हो चुके हैं. चले जी हम चलते हैं अब दही बड़ों की रेसिपी की तरफ. तो अब मैं बना रही हूँ दही बड़ों के लिए दही. तो एक मैंने हरी मिर्च ले ली थी, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ी सी काली मिर्च, ज़ीरा, और वो सारा मिक्स करके मैं डाल रही हूँ दही के अंदर, और इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स. अगर आपके पास बीटर है तो बीटर से कर लें, अगर बीटर नहीं है तो आप मधानी से कर लें. तो अभी तो ये मेरे पास स्पैचुला है, मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि साइडों पे जो दही थी वो फ्रीज हुई थी, तो इसके लिए मैं ये स्पैचुला यूज़ कर रही थी. तो अब मैं इसके बाद कर रही हूँ ये बीटर यूज़. ये भी बहुत अच्छा है, मधानी की तरह है. इसको ऊपर से पुश करो तो ये खुद ही जो है चलना स्टार्ट हो जाता है. तो ये जी दही हमारी दही कह रही हूँ हमारी खीर भी बनकर रेडी हो चुकी है, और ये दही बनकर रेडी हो चुकी है. हम इसमें डाल देंगे प्याज भी, और साथ में डाल देंगे हम बड़े. तो ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं, जितने ही खूबसूरत लग रहे हैं इतना ही मज़े का इनका टेस्ट भी था. तो मैं ये भी टेस्ट कर रही हूँ कि इसके अंदर सारे मसाले पूरे हैं, तो माशाल्लाह सब कुछ इसके अंदर परफेक्ट था. तो जी अब हम इसके बाद बनाने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं, राइस. तो थोड़ा सा मैंने पानी ले लिया, थोड़ा सा नहीं बल्कि ज़्यादा सारा ज़्यादा सारा पानी ले लिया है, क्योंकि हमने इसमें चावल को बॉईल करना था. इसमें ज़ीरा, काली मिर्चें, दालचीनी और लौंग जो है वो इसमें ऐड कर दिए. थोड़ा सा मैंने डाल दिया इसके अंदर लेमन का जूस, और सॉल्ट डाल दिया इसमें जायका. और इसके बाद थोड़ा सा ये जब बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे. क्या ऐड करेंगे? राइस. तो हम वेट करते हैं इसके बॉयल आने तक, तब तक हम रेडी करते हैं कोफ्तों के लिए मसाला, यानी कि बिरयानी के लिए मसाला. तो मैंने बस थोड़े से प्याज ले लिए थे, टमाटर, लहसुन भी मैंने वो जो है पीसा नहीं है, कटिंग करके ही डाल दिया है. हरी मिर्च भी मैंने ऐसे ही कट लगा कर डाल दिया. तो ये देखें माशाल्लाह मसाला भी जो है वो बन रहा है. अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कोफ्ते, ताकि थोड़ा सा मसाला जो है वो कोफ्तों के अंदर भी चला जाए. तो ये देखिए माशाल्लाह ये भी जो है वो पक रहे हैं, और बहुत बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी यकीन जाने. तो इसके बाद क्या करेंगे, राइस भी जो है वो बॉयल हो चुके हैं, और राइस को हम डाल देंगे कोफ्तों पे.
नीचे कोफ्ते, फिर ऊपर राइस, फिर थोड़े से और कोफ्ते जो है हम इसके ऊपर रख देंगे और फिर इसको रख देंगे इसके बाद दम पर। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो अब थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे फूड कलर, ताकि बिरयानी का जो कलर है बहुत बहुत अच्छा लगे, क्योंकि बिरयानी में जब तक कलर नहीं डलता ना तो बिरयानी लगती नहीं है। तो जी ये देखें माशाल्लाह, हम इसको थोड़ी देर दम पे रखेंगे। दम पे रखने के बाद ये इसका फाइनल लुक है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी कोफ्ता बिरयानी है जो वो बनकर रेडी हो चुकी है। कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े की ये रेसिपी और बहुत ईजी है। सो हैव अ लुक।